स्वागत है आपका गीतास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता। एकदम चीजी और टेस्टी रेड सॉस पास्ता बनाएंगे, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पास्ता के लिए सबसे पहले हमने लिए 3 बड़े टमाटर और कुछ सूखी हुई लाल मिर्च। टमाटर के ऊपर के हिस्से को इस प्रकार हटा लेंगे और नीचे से इस प्रकार 2 कट लगाएंगे। इस प्रकार सारे टमाटर में करेंगे। इन सब को गर्म पानी में डालकर उबालने के लिए रख देंगे। उबालने के लिए लाल मिर्च को पहले डालेंगे और टमाटर को कुछ देर बाद डालेंगे ताकि दोनों साथ में बॉईल हो जाए। दूसरी तरफ पास्ता को उबालने के लिए गर्म पानी रखेंगे। पानी जब गर्म हो जाए तब उसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें पास्ता उबालने के लिए डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पेने पास्ता का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर टमाटर और लाल मिर्च दोनों उबल चुके हैं, इन्हें छान कर अलग कर देंगे और दूसरे बर्तन में ठंडा पानी रखेंगे और उसको उसमें रख देंगे। ठंडे हो जाने पर टमाटर के छिलकों को हटा देंगे और उसे मिक्सर में डाल देंगे। मिक्सर में टमाटर के साथ लाल मिर्च और थोड़ा पानी डालकर उसको बारीक पीस लेंगे। टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई है। दूसरी तरफ पास्ता भी अच्छे से उबल चुके हैं, उन्हें छानकर अलग कर देंगे और ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। उबले हुए पास्ता एकदम तैयार है। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल गर्म होने पर एक बड़ा कटा हुआ प्याज डालकर उसे भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा अदरक गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। ऊपर थोड़े से ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और इन सबको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारा रेड सॉस एकदम तैयार हो चुका है। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप स्पाइसी ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स किया है। अब इसे ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैंने ऊपर 2 टेबलस्पून बटर डाला है। हमारा रेड सॉस पास्ता सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। इसे सर्व करने के लिए प्लेट में सबसे पहले मैं पास्ता डाल रही हूँ, उसके ऊपर चीज डाल रही हूँ। चीज को वापस पास्ता से कवर कर देंगे। पास्ता के ऊपर चीज को थोड़ा गार्निश करेंगे। ऊपर से थोड़े धनिया पत्ते डालेंगे। हमारे चीजी रेड सॉस पास्ता तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।